बस हरे कृष्ण। श्री जगन्नाथपुरी धाम का ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम शुरू करते हैं अभी। विशेष रूप से कलयुग सबसे पतित लोगों का युग है, समय है, जिस समय में पापों का भारा, पापों का राशि बहुत ज्यादा होता है और साथ ही जीव अल्पायु होते हैं, उसके साथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिस्टर्ब रहते हैं। तो इसीलिए यानी कि पास धर्म आचरण करने के लिए, विशेष रूप से भक्ति योग का आचरण करने के लिए इनके पास समय भी कम होता है, और बाय चांस किसको समय मिलता है तो बहुत डिस्टर्ब रहते हैं। तो इसीलिए बहुत दुर्भाग्यशाली है कलयुग का जीव। तो ये सबका कल्याण के लिए भगवान ब्रह्मा जी का रिक्वेस्ट से अनुरोध क्रमे स्वयं जगन्नाथ दारु विग्रह के रूप में, अकुश नारद मुनि का अनुरोध क्रमे भी दारु ब्रह्म के रूप में विग्रह अर्चा विग्रह के फॉर्म पे जगत से सेवा लेने के लिए अपना दो बाहें दो हाथ फैल के बैठे हुए हैं। कोई भी भक्त आ जाए उनको गले में ले, इनडिस्क्रिमिनेटिंग द कास्ट क्रीड एंड रिलीजियन, कोई भी कैसे भी आया है, स्त्री पुरुष ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र या आउटकास्ट, एनीवन विल कम। कृष्ण इन द फॉर्म ऑफ जगन्नाथ इज सो करुणामय, इज ऑलवेज वेलकम, ईगरली वेलकम। सो तो इसलिए प्रतिमां तत्र दृष्ट्वा स्वयं देवनं निर्मितं अनायसेन वे यान्ति भवनं मे ततो नरः। लक्ष्मी देवी को स्वयं नारायण कहते हैं, विशेष रूप दारु ब्रह्म के फॉर्म पे जो स्वयं मैंने मैनिफेस्ट हुआ, मैं खुद बनाया, मतलब मेरा शरीर और ये दारु ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। ऐसे शरीर जो एक बार दर्शन करते हैं वो मेरे धाम को प्राप्त होते हैं। हरि बोल। और उड़िया भाषा में ये कहा गया है, परम ब्रह्म जगन्नाथ अवतारी हेतु जात कोटि कोटि जे अवतार यहाँ हुवंती बहार। तो स्वयं जगन्नाथ जो परम ब्रह्म, स्वयं ब्रह्म का उत्सव, स्वयं जगन्नाथ जिनके शरीर से कोटि कोटि अवतार निकले हुए हैं, जैसे श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद तृतीय अध्याय 28वां श्लोक में जो संस्कृत श्रीमद् भागवतम का सार श्लोक मौढ़मणि श्लोक रूप में ना जाना जाता है, इति चांस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। भगवान स्वयं कृष्ण यानी कि जगन्नाथ सारे अवतार का स्रोत है और इनसे सारे अवतार डायरेक्टली दैट इज अंश और इनडायरेक्टली दैट इज कला के फॉर्म पे निकलते हैं। और जब भी सारे देवताओं के बीच में इंद्र आदि देवताओं मिलकर आकुल अवस्था में पहुंच जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, वो सब मिलकर इसी भगवान का अप्रोच करते हैं। तो स्वयं भगवान कृष्ण यानी कि जगन्नाथ कृष्ण इनमें से संपन्न समस्त कोटि कोटि अवतार निकल के आते हैं। जगन्नाथपुरी धाम में स्वयं जगन्नाथ हर ऐश्वर्य में भरपूर है। तो इसीलिए यहाँ पे इस भूमि को स्पर्श करते ही महासागर का जो पर्टिकुलर अंश, इसको बंगाल का खाड़ी आजकल बताया जाता है, बे ऑफ बंगाल इज गेटिंग द नेम ऑफ महोदधि। यद्यपि ये उदधि के नाम पे सारा जगत में जाना जाते हैं, स्टिल जब जगन्नाथ पुरी का धाम को उदधि यानी कि समुद्र टच करता है तब उन्होंने क्या बन जाते हैं, महान बन जाते हैं, इसलिए इनको नाम महोदधि। महोदधि में एक बार जो स्नान करता है भगवत धाम जाने के लिए या भगवत भक्ति प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है। और जगन्नाथ जी जिस मंदिर में रहते हैं उसी का नाम, उसका नाम है बड़ देवला,
बड़ बड़ मंदिर, और यानी कि श्री मंदिर जहाँ पे हर तरह का ऐश्वर्य भरपूर है, और जगन्नाथ जी का सेवक को बोलते हैं बड़ पंडा। जगन्नाथ जी का द रोड इज ग्रैंड रोड यानी कि बड़ दांड, एंड जगन्नाथ जी का झंडा को बड़ नेता बोलते हैं, पतित पावन बड़ नेता। जगन्नाथ जी के ऊपर जो दिया चढ़ाया जाता है ऊपर, उसको कहते हैं महादीप। साथ साथ जगन्नाथ जी का प्रसाद को आप जानते हैं, महा महाप्रसाद। और जगन्नाथ जी का आंख जैसा कोई भी भगवान का आंख नहीं है, इसीलिए इनका नाम बड़ा आखी, बड़ा आखी चक्का आखी स्पीकर बोल। तो एंड साथ ही क्योंकि ये सारे वर्ण का स्रोत है, दैट इज व्हाई इज ब्लैक इज इट इज कॉल्ड कालिया। तो इन ऑल द फॉर्म जगन्नाथ इज द ग्रेटेस्ट। तो ये महान था जगन्नाथ जी का है। तो ये जगन्नाथ भगवान जगन्नाथ कैसे जगन्नाथ पुरी धाम में आविर्भाव हुए, हम जल्दी से जल्दी सुनेंगे नेक्स्ट सेशन में। और इस सेशन में विशेष रूप से ये उत्कल खंड भारतवर्ष में कैसे श्रेष्ठ है उसके बारे शास्त्रिक चर्चा करेंगे। विशेष रूप से उत्कल खंड यानी कि जगन्नाथपुरी या भुवनेश्वर, इस पर्टिकुलर एरिया शंख चक्र गदा पद्म धाम जो है, इसके बारे विशेष रूप से पद्म पुराण एंड मोस्टली स्कंद पुराण में डिटेल्ड वर्णन है। स्कंद पुराण का विष्णु खंड में सो मच डिटेल अबाउट जगन्नाथपुरी। जैसे कृष्ण लीला संबलित श्रीमद् भागवतम एंड अन्य ग्रंथ, बट श्रीमद् भागवतम सारे ग्रंथ में श्रेष्ठ है एंड श्रीमद् भागवतम सर्व पुराण में श्रेष्ठ है। ऐसे ही क्योंकि कृष्ण कथा का गुणगान करते हैं, ऐसे ही जगन्नाथ का गुणगान करने की वजह से स्कंद पुराण अन्य पुराणों से भी श्रेष्ठ है। दिस इज अ न्यू इंफॉर्मेशन। तो स्कंद पुराण में जैसे श्रीमद् भागवतम में कृष्ण कथा संबलित 18,000 श्लोक संकलन किया गया है, ऐसे ही स्कंद पुराण में जगन्नाथ कथा एंड विष्णु कथा संबलित। जस्ट इट्स रिवर्स, दी 18 बिकेम दी 81,000। तो जगन्नाथ जी का ग्लोरी भी बहुत ज्यादा है। ये स्कंद पुराण डिटेल्ड वर्णन करता है 81,000 श्लोक में। तो ये धाम को साधारण ना देखने के लिए चैतन्य महाप्रभु के द्वारा, चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में बोलते हैं, चिंतामणि भूमि कल्प वृक्षमय वन चर्म चक्षे देखे तारा प्रपंचेर सम। चैतन्य चरितामृत आदि लीला में वर्णन किया गया इस चीज को। जहां व्यक्ति चिंतामणि धाम, धाम चिंतामणि स्वरूप होते हैं, जहां पे जाके केवल इच्छा करने मात्र, जिस चिंतामणि सब कुछ हमें दे सकता है ऐसे धाम हमें देता है, और उस धाम को चरम चक्षु में देखता है व्यक्ति और कहता है ये तो मिट्टी और पत्थर में बना हुआ है, तो बहुत दुर्भाग्यशाली है, ये अपराध है। इसलिए प्रपंचेर सम, प्रपंच में से इस भौतिक जगत में सड़ने का कार्य जो करता है। अरे सच, भगवान कभी कोई पर्टिकुलर मिट्टी के फॉर्म पे किसी पर्टिकुलर जगह पे ऐसे जगह पे विराजमान होते नहीं है। लेकिन नारद को क्या बताए थे, नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगी नाम हृदय नवा हृदय शुवा तत्र तत्र गायन यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं उस जगह पे विराजमान होता हूँ जहां पे मेरे भक्त समूह में श्रद्धा के सहकार मिलजुल कर कॉन्ग्रीगेशनली जब मेरा नाम और रूप और गुण का गान करते हैं। सो क्वेश्चन उठता है, तो फिर धाम यानी कि तीर्थराज यानी कि भगवान का घर, डिफरेंट पर्टिकुलर प्लेस को क्यों कहा जाता है? ये ऐसी है कि ऐसे पर्टिकुलर जगह पे ऐसे साधुओं का गुणगान, साधुओं मिलकर भगवान का असीम गुणगान करते हैं, इसलिए वो धाम। ऐसा नहीं कि उस धाम में जाके कोई केवल कुटीनाती करता है, प्रजल्प करता है, नहीं, वहां पे असंख्य साधु मिलकर आके क्या करते हैं, कृष्ण कथा करते हैं, भगवान जगन्नाथ जी का गुणगान करते हैं, इसलिए पूरी धाम इसलिए फेमस है। दैट इज व्हाई
विशेष रूपे हमारे पास पूर्वोत्तर आचार्यों के बीच में से बहुत सारे आचार्य जगन्नाथपुरी में निवास किए, स्नान किए, भजन किए। क्लासिकल एग्जाम्पल इज हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर 192 राउंड्स डेली करते थे जपा हरे कृष्ण महामंत्र इसी जगन्नाथपुरी में बैठ के। एंड आफ्टर दैट ही वाज एक्सेप्टिंग जगन्नाथ प्रसाद, वो भी स्वयं भगवान जो चलते हुए आ रहे थे गौरांग महाप्रभु के द्वारा। तो इसलिए इस क्षेत्र, इस धाम का महात्म्य बहुत ज्यादा है। तो भगवान कुछ पर्टिकुलर स्पेस ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड चुना है, उनमें से भारतवर्ष श्रेष्ठ है। और उन भारतवर्ष में विशेष रूप में चार धाम को चुने हैं, जहाँ पे सत्ययुग में भगवान बद्रीनारायण के फॉर्म पे आविर्भाव हुए हैं, एंड देन त्रेता में भगवान, दैट इज द नॉर्थ। त्रेता में भगवान एक्चुअली सत्य द्वापर त्रेता कली था, सीक्वेंस बदला दिया गया गौतम ऋषि के द्वारा फॉर इन्फॉर्मेशन। तो सेकंड में आता है द्वापर, पश्चिम में भगवान द्वारिकाधीश के फॉर्म पे आविर्भाव होते हैं, लीला करते हैं, लीला रचना करते हैं। एंड थर्ड त्रेता युग में भगवान रामचंद्र रामेश्वरम में आके निवास करते हैं। एंड साथ ही कलयुग में कोई स्पेसिफिक मनुष्य अवतार भगवान का नहीं होता है। कलयुग में ऑफ कोर्स गौरांग महाप्रभु केम लेटर, विशेष रूप कलयुग का अधिष्ठात्र देवता भगवान स्वयं कृष्ण का अर्ष विग्रह दारु विग्रह फॉर्म, दैट इज स्वयं जगन्नाथ। तो जगन्नाथपुरी में ये जगन्नाथ निवास करते हैं। उत्तर पश्चिम सॉरी उत्तर पश्चिम दक्षिण और ये पूरब में भगवान स्वयं जगन्नाथ निवास करते हैं। तो ऐसे चार फॉर्म पे, चार युग में, चार भगवान का लीला चार धाम में होता है। ये कहा जाता है इन सब धाम में से भी उत्कल यानी कि उड्र देश में जो स्वयं जगन्नाथ कलयुग में दारु विग्रह के फॉर्म पे आविर्भाव होते हैं, ये बाकी ऑल अदर धामों में भी श्रेष्ठ है। ऑफकोर्स सारे धाम कोई किसी के साथ कंपेरेबल फॉर्म पे नहीं है, ऑल आर श्रेष्ठ। लेकिन भक्त या अथर्व अपने भक्तों का भगवान के साथ श्रद्धा के कारण कहते कि ये धाम सर्वश्रेष्ठ है। स्वयं जगन्नाथपुरी, बट ये इंफॉर्मेशन शास्त्र से प्राप्त होता है कि चारों धाम भ्रमण करने के बाद जगन्नाथपुरी में कंप्लीट होता है। एनी काइंड ऑफ जप तप यज्ञ दान तपस्या कलयुग में कुछ भी करो, बट इफ यू आर नॉट एडिंग दिस कंग्रीगेशनल चैंटिंग ऑफ द होली नेम, ऑल आर यूजलेस। ऐसे ही तो कॉम्प्लीटनेस आता है जब हरे कृष्ण महामंत्र जोड़ दिया जाता है, ऐसे ही कॉम्प्लीटनेस आता है जब जगन्नाथपुरी व्यक्ति आते हैं। सो दिस इज फॉर वेरी फर्स्ट कंग्रेचुलेशंस ऑल ऑफ द डिवोटीज जो जगन्नाथपुरी आने के लिए मनस्थ किया, जो नहीं आया सुन पा रहे उनको भी कंग्रेचुलेशंस। मतलब आने का प्लान नहीं है लेकिन सुन पा रहे, क्योंकि जगन्नाथपुरी धाम में केवल आने के लिए मनोनिवेश किया, स्टार्ट किया जस्ट कि जगन्नाथपुरी धाम में जाऊंगा, तब से भगवान स्वयं उस पर्टिकुलर व्यक्ति का फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और उनका कृष्ण मत प्राप्त होता है। हरी हरी। सो ये स्कंद पुराण का वर्णन है, मैंने कह रहा हूँ आएगा भी। तो इस उत्कल क्षेत्र में जगन्नाथपुरी धाम जो बाकी सारे धामों से, सारे पावन स्थल से भी श्रेष्ठ है, स्कंद पुराण इसके बारे वर्णन करता है। वर्षानाम भारत श्रेष्ठ देशानाम उत्कल स्मृत उत्कलस्य समो देशो देशो नास्ति महीतले। इस धरती पे भारतवर्ष सर्वश्रेष्ठ है और उनमें से जो उत्कल देश उड्र देश है सर्वश्रेष्ठ है, और उत्कल जैसा इस धरती पे और कोई जगह नहीं है। स्कंद पुराण। तो इस जगन्नाथपुरी को, जगन्नाथपुरी स्पेसिफिकली उत्कल देश शंख चक्र गदा पद्म ऐसे चार धाम में विभाजित है।
उनमें से शंख कित्र होता है स्वयं जगन्नाथपुरी, क्योंकि ये शंख जैसा साइज का है, शेप का है। एंड दिस कोणार्क इज पद्म क्षेत्र, हम जाएंगे, प्लान में है, आई एम नॉट एंश्योरिंग क्या प्लान होगा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जो यात्रा टीम प्लान करेंगे। द पद्म क्षेत्र इज कोणार्क क्षेत्र, एंड द चक्र क्षेत्र हम डेफिनेटली जाएंगे, दैट इज भुवनेश्वर, दैट इज चक्र क्षेत्र, चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। शंख क्षेत्र इज जगन्नाथपुरी, स्वयं शंख क्षेत्र। पद्म क्षेत्र इज कोणार्क, एंड चक्र क्षेत्र इज भुवनेश्वर, एंड द फाइनली गदा क्षेत्र इज जाजपुर, जिसको हम क्रॉस करके जाएंगे जाते वक्त। ओके, देयर आर वेरियस रिवर्स, सुवर्णरेखा, वैतरणी आदि आदि रिवर क्रॉस करके जाएंगे, जिस नदी को क्रॉस करते हुए बंगाल से गौड़ीय वैष्णव चैतन्य महाप्रभु को दर्शन करने आते थे, और उस नदी को नाव में पार होते थे, और शिवानंद सेन अपने कुत्ता को भी उस नाव में पार करके लाए थे। सो ऑल दिस रिवर्स विल क्रॉस विल ट्रैवल व्हाइल ट्रैवलिंग, आप याद रखना। जैसे ही आप लोग हिजली यानी कि खड़गपुर हिजली स्टेशन को क्रॉस करेंगे, सारे चीज ध्यान रखना कि एवरीथिंग विल कम, जो भी हम डिस्कशन करेंगे या चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे आते वक्त ट्रेन में, मैं आपको याद दिला रहा हूँ। तो शंख चक्र गदा पद्म ऐसे चार क्षेत्र, क्षेत्र मीन्स द एरिया, ऐसे उत्कल देश में विराजमान है, और उनमें से शंख क्षेत्र सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि स्वयं दारु ब्रह्मा रत्न वेदी के ऊपर विराजमान है जगन्नाथ। तो ब्रह्मांड पुराण बोलता है, फिर सॉरी ब्रह्म पुराण बोलता है, अस्ते क्षेत्र स्वयं देवे मुक्तिदः पुरुषोत्तमः धन्यास्ते विबुद्ध प्रक्षा ये वस्तु फले नरा। क्योंकि इस संघ क्षेत्र में स्वयं मुक्तिदाता जगन्नाथ विराजमान है, जो लोग वहां निवास करते हैं वे धन्य है और सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी है, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंस भाग्यशाली है। ओके, सुनिए आगे और क्या बोल रहे हैं। जो लोग ऐसे पुण्य कर्म पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास करते हैं, ऐसे बुद्धिमान उत्कल वासियों का जीवन का सफल है, इट्स ग्लोरी ऑफ उत्कल क्षेत्र। ये ब्रह्मांड पुराण सॉरी ब्रह्म पुराण में वर्णन किया जा रहे। तो उसके बाद ये भी वर्णन किया जा रहे, क्योंकि इस जगन्नाथपुरी धाम शंख क्षेत्र में स्वयं जगन्नाथ दारु ब्रह्म के रूप में विराजमान है, और वो जो कि स्वयं कृष्ण है, जो गोकुल मथुरा एंड द्वारका में लीला किए थे, ये सारे लीला एवरीडे जगन्नाथपुरी में संपन्न कर रहा है अद्यावधि। दिस इज द रेफरेंस फ्रॉम वैष्णव तंत्र, ये बताया गया है, मथुरा द्वारिका लीला य करोति च गोकुले नीलाचल स्थित कृष्णस्थो एव चरति प्रभुः। तो नीलाचल में जो कृष्ण जगन्नाथ के रूप में है, मथुरा द्वारका और गोकुल का सारे लीला क्या करते हैं, संपन्न करते हैं अद्यावधि। सो तीनों धाम कंबाइंड जगन्नाथपुरी में है, तो ओनली भाग्यशाली व्यक्ति जगन्नाथपुरी आना चाहता है। तो श्रील सनातन गोस्वामी अपना बृहत भागवतामृत में बताते हैं कि दारु ब्रह्म जगन्नाथो भगवान पुरुषोत्तमे क्षेत्रे नीलाचले शरणार नवी तीरे विराजते। लवण समुद्र के किनारे में स्वयं दारु ब्रह्म जगन्नाथ विराजमान है, महाभूत नाम राज्यमक्कलम पालयन स्वयं, सर्व विभूति सर्व ऐश्वर्य परिपूर्ण उत्कल क्षेत्र को स्वयं ये शासन करते हैं। ऐसा नहीं कि विराजमान खाली है, ही इज द मौढ़मणि, ही इज द सर्वश्रेष्ठ एम्परर इन दिस उत्कल क्षेत्र, स्वयं मेंटेन करते हैं। व्यंजयन निज माहात्म्यं सदा सेवक वत्सलः, स्वयं अपना महात्म्य के द्वारा सेवकों को आकर्षित करते हैं और प्रेम करते हैं, सर्वश्रेष्ठ सेवक वत्सल भक्त वत्सल है जगन्नाथ। तस्थानं पाचितं लक्ष्मा स्वयं
युक्त वा दयालुना दत्तं तेना स्वभक्तेभ्यो लभ्यते देव दुर्लभम। तो ऐसे उत्कल क्षेत्र में जो जगन्नाथ क्षेत्र है, स्वयं भगवान जगन्नाथ दयालु के रूप में स्वयं शासन करते हैं, मेंटेन करते हैं। ऐसे जगह पे जो व्यक्ति आने के लिए मीन्स इवन देवताओं के लिए दुर्लभ है ऐसे क्षेत्र में आना। महाप्रसाद सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, महाप्रसाद संयंच तत्पुष्टं येन केनचित् तत्र कुत्रोपि वा नितमेव विचारण भुञ्जते। तो महाप्रसाद यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ है, और महाप्रसाद जिनको जहां पे जैसे भी प्राप्त हो जाता है, नीचे गिरा हुआ है, किनका मुंह पे लगा हुआ है, पशु खा रहा है, किसी भी स्थिति में कैसे भी प्राप्त होता है पा लेते हैं, क्योंकि इसमें कोई बात विचार नहीं है, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशंस नहीं है। तो जगन्नाथ जी को भोग लगने के बाद संकुटी भोग होता है, दैट इज अन्न प्रसाद। ऑफकोर्स इससे पहले जो ब्रेकफास्ट लगता है, दैट इज नॉट संकुटी भोग। संकुटी भोग जब प्राप्त होते हैं भगवान, उसके बाद विमला देवी पाते हैं, उसके बाद सारे जन समाज के बीच में जो बंटन किया जाता है, हर दिन लाखों व्यक्ति प्रसाद पाते हैं, इसमें कोई वाच विचार डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। इसीलिए आप जब आनंद बाजार में प्रवेश करेंगे, प्रसाद पाने से पहले आपको खिला देगा, आप खाएंगे, आपके साइड में दूसरे व्यक्ति खड़ा होगा उनको भी खिला देगा, फिर उससे ही आपको, आप जो बड़ा खरीदेंगे उससे ही आपको निकाल के दे देगा, आप पाएंगे। अगर नॉर्मल एटिकेट दृश्य में देखा जाता है तो एक दूसरे को झूठा नहीं देना चाहिए, लेकिन जगन्नाथपुरी में वाच विचार नहीं है। सो एक व्यक्ति जो कृष्ण भावना भावित होना चाहते हैं, सबसे अच्छा मौका है जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ प्रसाद को सेवन करें। जगन्नाथ जी कहते हैं कि सत्यं सत्यं पुनः सत्यं एतद् ब्रविमीते प्रसाद भंगे तत्स्थानं न त्यजामि कदाचन। जैसे कृष्ण कहते हैं कि वृंदावन एक मोमेंट के लिए भी छोड़कर मैं नहीं जाता हूँ। जगन्नाथ तीन बार सत्य कर रहे हैं यहाँ पे स्कंद पुराण में बोल रहे हैं कि मैं सत्य असत्य सत्य त्रिबार सत्य कर रहा हूँ कि यद्यपि मेरा जो प्रसाद, प्रसाद मीन्स दैट इज जो अट्टालिका 32 meters हाई जगन्नाथ मंदिर, इतना बड़ा मंदिर भी अगर भस्म हो जाता है, ध्वंस हो जाता है, तब भी जगन्नाथपुरी छोड़कर मैं कभी नहीं जाता हूँ। दिस इज द प्रॉमिस ऑफ जगन्नाथ। और साथ में जगन्नाथ जी और क्या बोल रहे हैं, देति संसार दुखाति ददास ददाति सुखमंग्यम तस्माद्वरा तस्माद्य अरुमयं ब्रह्मा वेदांतशु पवीग्रियते। सारा वेद जिसका गुणगान करते हैं, ये जो दारु ब्रह्म क्या करते हैं, सारा संसार का, लोगों का पाप दुख को धौत करने के लिए हाथ फैला के बैठे हुए हैं। तो ये जगन्नाथ जी का महिमा है, ये जगन्नाथपुरी में विशेष रूप में वसवास करते हुए जगन्नाथ जी सर्वेषां चैव देवानां राजा श्री पुरुषोत्तमः सर्वेषां चैव क्षेत्रानां राजा श्री पुरुषोत्तमः। सारे देवताओं का सर्वश्रेष्ठ देवता भगवान स्वयं पुरुषोत्तम जगन्नाथ है, और सारे क्षेत्र सारे धामों का सर्वश्रेष्ठ धाम है स्वयं पुरुषोत्तम धाम, जहाँ पे स्वयं पुरुषोत्तम जगन्नाथ विराजमान है। तो यहाँ पे कपिल सेंटर में अगेन क्लेम है, सो देयर आर सो मेनी क्लेम्स अबाउट जगन्नाथपुरी। तो ये जगन्नाथपुरी का विभिन्न नाम पे जाना जाता है, श्री क्षेत्र, लक्ष्मी क्षेत्र, कोई कहते हैं पुरी, पुरी मीन्स कंप्लीटनेस, पुरी मीन्स वेयर पीपल्स आर लिविंग, एंड शंख क्षेत्र, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र, दस अवतार क्षेत्र, एंड ऑफकोर्स उत्कली एंड गौड़ीय दोनों वैष्णव का समागम, दैट इज वैष्णव क्षेत्र, देन ऑल्सो भौम वैकुंठ, जैसे भौम वृंदावन है ऐसे भौम वैकुंठ है ये, साथ साथ नीलाचल, नीलाद्री, नीलगिरी, और ऐसे ही एकोमोडेशन है हमारा, देन साथ ही भूस्वर्ग
एंड एट द एंड नरसिंह क्षेत्र, क्योंकि नरसिंह भगवान को पहले स्थापना किया गया था, दारु ब्रह्म को स्थापन करने से पहले ब्रह्मा जी बाय द ऑर्डर ऑफ स्वयं लक्ष्मी जी, ऑफ कोर्स लक्ष्मी जी इज बीइंग गेटिंग द ऑर्डर फ्रॉम नारायण जी. ओके, ते पुरुषोत्तम क्षेत्र विशेष रूप उत्कल क्षेत्र और पुरुषोत्तम क्षेत्र का महात्म्य है. तो ये स्कंद पुराण में वर्णन आता है, इस क्षेत्र का क्या महात्म्य है वर्णन करिए. तो ये डिस्कशन ऐसे ही हुआ था जैसे श्रीमद् भागवतम सुनने के लिए कलयुग का क्या क्या घटनाएं होगा, कलयुग का पतन के समय जीवों को उद्धार कैसे होगा, और भगवान कृष्ण जब स्वर्ग स्वधाम चले जाते हैं उस समय कौन कल्याण करेगा, धर्म को कौन रक्षा करेगा. द आंसर हैज कम इन द लोटस माउथ ऑफ सुखदेव गोस्वामी एंड एवरीवन गेट बेनिफिटेड. सारे ऋषि मुनि देवताओं आके बैठे थे. ऐसे ही अनादर सम्मेलन हुआ था. सो टाइम टू टाइम ऋषि मुनिया हमारे पूर्वजों से वैसे ही करते थे. तो जिसका फलस्वरूप 81,000 श्लोका के साथ लेकर स्कंद पुराण मैनिफेस्ट हुए थे. जैसे श्रीमद् भागवतम 18,000 श्लोकों को लेकर मैनिफेस्ट हुए थे, ऐसे ही स्कंद पुराण जैमिनी ऋषि के मुख से, जैसे सुखदेव गोस्वामी का मुख से निकला था, जैमिनी ऋषि के मुख से निवृत्त निकला था. जब सारे ऋषि मुनिया मिलकर प्रश्न पूछे थे तो विशेष रूपे हुआ था कि भगवान सॉरी स्कंद पुराण में वर्णन आता है, भगवान स्वयं नारायण ब्रह्मा को ये जगन्नाथ क्षेत्र का वर्णन करते हैं. देन ब्रह्मा जी शिव जी को, दिस इज द परंपरा, शिव जी को ये स्कंद क्षेत्र यानी कि शंख क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम का एंड जगन्नाथ जी का वर्णन करते हैं. देन इन द परंपरा शिव जी जैमिनी ऋषि को वर्णन करते हैं. जैमिनी ऋषि सॉरी शिव जी स्कंद को वर्णन करते हैं, स्कंद ऋषि एंड स्कंद ने जैमिनी ऋषि को वर्णन करते हैं. तो स्कंद अपने गुरुदेव का महात्म्य को बखानने के लिए पुराण का नाम स्कंद पुराण रखा गया है जैमिनी ऋषि के द्वारा, जो कि डिटेल्ड स्कंद पुराण का वर्णन किए थे. तो ये स्कंद पुराण में वर्णन आता है, एक बार सारे इस धरती पे जितने सारे ऋषि मुनिया, अफकोर्स उस समय कोई हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन ये सब धर्म तो था नहीं, धर्म तो एक ही था, दैट इज सनातन धर्म. ओके, एवरीवन इज द डिवोटी ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ कृष्ण, नो अदर सो कॉल्ड डेमिगॉड सॉरी नो अदर सो कॉल्ड गॉड्स वेर मैनिफेस्टेड दोस डेज. तो क्या किए थे, सब एकत्रित होके प्रश्न पूछे थे, क्योंकि सबको पता था सबसे ज्यादा तत्व वस्तु जानने वाले व्यक्ति है इन लोगों के बीच में उस समय जैमिनी ऋषि, जिन्होंने सारे शास्त्र का ज्ञाता थे, एक्सपर्ट थे. साथ ही परंपरा क्रमे स्कंद ऋषि से नारायण का जो मैसेज ब्रह्मा शिव होकर आया था इसको सुने थे, इसलिए तो ये सारे का रहस्य विशेष रूपे जो जगन्नाथपुरी का या उत्कल क्षेत्र का रहस्य हमारे उन्मोचन करने के लिए सब लोग मिलकर रिक्वेस्ट किए थे, अनुरोध किए थे. तो स्कंद ऋषि के माध्यम से जो परंपरा क्रमे जैमिन ऋषि एक्सप्लेन करना शुरू किया है उसमें ये वर्णन आता है कि जो व्यक्ति, इसमें वर्णन आता है, जो व्यक्ति केवल इस क्षेत्र को भेंट करने के लिए या इस क्षेत्र में आके कुछ दान करने के लिए या इस क्षेत्र में केवल आकर घूमकर जाएंगे करके सोचते हैं, तो फिर उसके बाद तो फिर इनको तुरंत ही वो जीवन मुक्त हो जाता है. देन व्हाट टू स्पीक अप हु इज लिविंग देयर और हु इज प्लानिंग टू कम एंड लिव देयर फॉर सम डेज. जो केवल सोचता है, केवल भेंट करेंगे जगन्नाथपुरी धाम को, उनको ये फल प्राप्त होता है. पुरुषोत्तम क्षेत्र के बारे में बताते हुए जैमिन ऋषि कहते हैं, ब्रह्मा इस ब्रह्मांड का द्वितीय रचयिता है, राइट, और प्रथम प्राणी है जो कुल
कोई भी पिता माता के गर्भ से जन्म नहीं हुए थे, इसीलिए इनको अज कहा जाता है। एक्चुअली अज तो भगवान स्वयं है, अज मीन्स जिसका जन्म नहीं होता है, बट देर इज ए प्रारंभ, डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ डेथ ब्रह्मा जी के भी होता है। एंड देर आर सो मेनी ब्रह्मा सर कमिंग एंड गोइंग। ऑफ कोर्स उनका लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा है, 1000 चतुर्युग, ओके मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 365 मल्टीप्लाइड बाई 100, इतना हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से ब्रह्मा जी का लाइफ स्पैन है, जो कि हमारे मटेरियल कैलकुलेटर के अंदर इतना जीरो भी नहीं आएगा जितना ब्रह्मा जी का लाइफ स्पैन है। तो इसलिए हमारे लिए लगता है कि बहुत लंबा है, लेकिन टाइम ऑफ इटर्निटी के अगेंस्ट में ब्रह्मा जी का ये भी लाइफ स्पैन बहुत नगण्य है। ओके तो इसलिए ब्रह्मा जी का भी डेट ऑफ बर्थ होता है, उन्होंने निकल के आते हैं पहला सृष्टि सर्ग के बाद, भगवान कारणोदयी विष्णु के द्वारा बेसिक इंग्रेडिएंट सृष्टि होने के बाद ब्रह्मा जी गरुड़ोत्सव विष्णु के नाभि कमल से निकल के आते हैं, और हर सर्वत्र अंधकारमय रहता है और बार बार एक्सप्लोर करते हैं। देन ही वाज गेटिंग इंस्ट्रक्शंस, देन विसर्ग सृष्टि होता है, द सेकेंडरी क्रिएशन। ब्रह्मा इज द फर्स्ट इंजीनियर एंड सेकेंडरी क्रिएशन ही हैज डन। उसके बाद ब्रह्मा जी देखते हैं सृष्टि तो किया है, जैसे कोई एक इंजीनियर एक बहुत एक अट्टालिका बिग अपार्टमेंट्स खड़ा करने के बाद देखता है कि यहाँ पे आने के बाद लोग पाप करते हैं, लोग एक्सीडेंट में मरते हैं, कोई सुखी नहीं है, तो इसलिए वो बनाने वाले व्यक्ति सोचते हैं, मैं सोचा था सब सुखी रहेंगे, हवा पवन तेज से मिलेगा, खुशी रहेंगे, आपस में मिलजुल कर रहेंगे, कम जगह पे बहुत लोग, लेकिन दुखी होते हैं। ऐसे ही ब्रह्मा जी के साथ दिस 14 प्लेनेटरी सिस्टम रचाने के बाद इस ब्रह्मांड में ऐसे ही हुआ। तो इसलिए इन्होंने सोचा कि यहाँ पे इतना बड़ा सृष्टि करने के बाद, सृष्टि रचना करने के बावजूद, इतना परिश्रम करने के बावजूद भी देख रहे हो वहां पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि जैसा बहुत सारे पीड़ा है, तो जीवों का उद्धार कैसे होगा। देन ही केम एंड अप्रोच स्वयं नारायण। ओके सो जब उन्होंने आए और भगवान स्वयं विष्णु इस तरह का प्रार्थना के समय भगवान विष्णु गरुड़ के पृष्ठ में बैठकर आके इनको आदेश दिया, हे ब्रह्मा जी आपका प्रार्थना वेरी जेनिन है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अभी भी उपाय है। क्या उपाय है? कि अगर तुम जिन व्यक्ति या जिन भगवान का अंग नील मेघ के समान प्रकाशमान है और जो महानदी और महोदधि यानी कि समुद्र के बीच में, लवण समुद्र के बीच में जिस जगह उपस्थित है वहां पे तुम जाओ, सागरस्योत्तीरे महानद्यस्तु दक्षिणे सप्रदेशः पृथिव्या हि सर्वतीर्थ फल प्रदः। महानदी का दक्षिण और लवण समुद्र का उत्तर, इनके ये जो बीच में जो जगह है वो एक क्या है, नील पर्वत है, उस पर्वत में तुम जाओ जो कि इस धरती पे सर्वश्रेष्ठ तीर्थ जगह है। और जो व्यक्ति वहां जाता है वहां पहुंचकर श्री पुरुषोत्तम यानी कि श्री नीलम माधव जी का सेवा करता है वो तुरंत ही मेरे धाम में आ जाते हैं, इनको जन्म मृत्यु जरा व्याधि कभी सताता नहीं है, तुम उधर जाओ। पृथिव्यां गोपितं स्थाना तव चापि सुदुर्लभः सुरासुरगणं दुर्जयं मायाच्छादितः ममः। और वो धाम कैसे है, नील माधव जो नील पर्वत में रहते हैं, नीलाद्री नीलाचल में जो रहते हैं, वो स्थान मेरा माया के द्वारा आच्छादित है, कवर्ड है, इसको कोई देख नहीं पाता है, तुम जाओ। तो इनके आदेश को मानते हुए ब्रह्मा जी आज्ञा को हृदय में धारण करते हुए कहाँ निकले, उस प्रदेश में गए जो महानदी और
लवण समुद्र के बीच में था और जाकर उधर देखे, स्वयं नीलमाधव अपना ब्लूइश कॉम्प्लेक्शन में माता लक्ष्मी जी के साथ नील पर्वत में विराजमान है और वहां पे सारे जीव चतुर्भुज फॉर्म पे दिखाई पड़ते हैं, सब सुखी है, वातावरण बहुत पॉजिटिव है, वातावरण बहुत ब्लिसफुल है और सारे ऋतुओं बहुत फेवरेबल है। देन वहां पहुंचते ही देखा एक काक पक्षी, एक कौवा उड़कर आए और इमीडिएटली वहां पे एक रोहिणी नामक कुंड है, उस कुंड में स्नान किया और वहीं से चतुर्भुज फॉर्म पे भगवत धाम चला गया। ब्रह्मा जी देख के आश्चर्यचकित हो गए, ही गॉट स्टंड, कहा ऐसे कैसे संभव है। और ब्रह्मा जी ये सब देखते हुए इन्होंने क्या किया, ये अद्भुत घटना को देखते हुए इन्होंने आश्चर्यचकित होते वक्त एग्जैक्टली उसी समय, क्योंकि किसी का भी मृत्यु होता है वो शरीर चेंज करके कहीं जाने से पहले इनको लेकर जाना, इनका न्याय देना यमराज का कर्तव्य होता है, स्वयं यमदेव धर्मराज वहां पे इनके साथ पहुंच गए एंड ही वाज क्लेमिंग अबाउट टू क्लेम दैट कौवा, लेकिन वो भगवत धाम चले गए। और ब्रह्मा जी सब देख रहे, यमराज आके आश्चर्यचकित होके तपस्या के पूछा नीलमाधव को, फिर अगर कोई भी व्यक्ति आके इस तरीके का चतुर्भुज फॉर्म पे यहाँ से आके भगवत धाम चला जाएगा तो मेरा जो कस्टडी ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज तो कोई काम नहीं रहेगा, सारे धरती के लोग यहाँ आएंगे, यहाँ से भगवत धाम जाएंगे, मेरा कुछ काम ही नहीं बचा फिर तो। एक्चुअली मेरा ड्यूटी क्या है, वो कन्फ्यूज हुए तो जैसे इंक्वायरी किया, वहां पे भगवान स्वयं नीलमाधव नारायण के फॉर्म पे चतुर्भुज फॉर्म पे जो थे, केवल एक कटाक्ष अपना आंखों से कटाक्ष किया माता लक्ष्मी जी से, आदेश दिया कि कटाक्ष के माध्यम से आदेश दिया कि माता लक्ष्मी कुछ बताइए। देन माता लक्ष्मी नारायण जी का आदेश से क्या किया, यमराज को एक्सप्लेन करना शुरू किया कि यमराज इस पर्टिकुलर क्षेत्र में आपका कोई अधिकार नहीं है, आपका क्या है क्या कहें, ब्रह्मा जी का इंद्र का भी कोई अधिकार नहीं है। ओके, सो ये यहाँ पे केवल भगवान नीलमाधव का ही अधिकार है। तुम ब्रह्मा या अन्य कोई भी देवता का इस क्षेत्र में कोई भी अधिकार नहीं है, ये कह रहे कौन, श्रीमती लक्ष्मी देवी। यहाँ पापों का बीज, अगर पापों बहुत सारे भरा हुआ लेकर आता है कोई तो क्या होता है, जैसे कि जंगल में आग लगा हुआ है और वहां पे कपास, सूखा कपास का बीज गिरता है तो क्या होता है, इमीडिएटली कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में जल के भस्म हो जाता है। ऐसे ही अगर पाप में भरा हुआ व्यक्ति आता है तो इनका हृदय का सारे के सारे पाप इंक्लूडिंग बीज खत्म हो जाता है, तो हाउ कुड यू क्लेम, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी यहीं पे खत्म हो जाता है। ये कहते हैं स्वयं लक्ष्मी देवी तो यहाँ का जो निवासी है, यहाँ जो आते हैं केवल नीलमाधव का कस्टडी में रहते हैं, यहाँ पे किसी का और चलता नहीं है। ओके, और ये नित्य सारस्वत चिदानंदमय धाम है, क्षेत्र है, यहाँ से कोई किसी भौतिक वासना का संभावना नहीं है। तो जब ऐसे सुना, ब्रह्मा जी सब ऑब्जर्व कर रहे हैं एंड यमराज ने पूछा, अच्छा इस क्षेत्र का महत्व इतना ज्यादा है तो क्यों ना मुझे इस क्षेत्र के बारे डिटेल्ड बताएं, कृपा करके आप ये सब बताएं। तो जैसे यमराज भी रिक्वेस्ट करते हैं, माता लक्ष्मी जी भगवान नीलमाधव का कटाक्ष से फिर प्रोत्साहन प्राप्त होते हुए आगे बढ़ाते हैं कथा को, तो कहते हैं कि हिमालय पर्वत में कठोर तपस्या करते हुए मार्कंडेय ऋषि सात कल्प जीवित रहने का प्राप्त होते हैं वरदान। सात कल्प मीन्स ब्रह्मा जी का एक दिन होता है एक कल्प। ओके,
ब्रह्मा जी का एक दिन एक कल्प होता है, और ऐसे सात कल्प जीवित, और प्रति कल्प के एंड में क्या होता है, महाप्रलय होता है, ऑफ कोर्स अर्ध प्रलय होता है। सो सात प्रलय में 7 बार अकेला मार्कंडेय ऋषि प्रलय देखते हैं। तो एक बार क्या हुआ, इनका पहला प्रलय जब देखने के लिए इनको मौका मिला, उस प्रलय में भौरा जैसा पानी, अब बारिश ऐसे हो रहा था मूसलधारा, तो बहुत छोटी बात है, जैसे कि स्तंभ का आकार में आता था, और बहुत पिन पॉइंटेड होके, जैसे कि भाला फेंका जाता है, भाला के शेप में, ऐसे बड़ा शक्तिशाली भाला के फॉर्म पे बारिश होता था, तो उसको कौन सहन कर पाएगा। आग जल कर आ रहा था, टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ा हुआ था, सारा धरती जलमग्न हो रहा था, सब ध्वस्त हो रहा था, और ये सब देखते 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 क्या हुआ, जल का भंवरा जो होता है ना, भवंडर, उसके अंदर गिर पड़े। कौन कौन गिरे, गिर पड़े हमारे मार्कंडेय ऋषि। और मार्कंडेय ऋषि गिरने के बाद ये जल घुमाते 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 घुमाते, ये ऐसे इनको ऐसे महसूस हुआ कि अभी जीवन धारण करना रहना संभव नहीं है, लेकिन इनको बर प्राप्त हुआ था, इनका मरण मरण तो नहीं हुआ। हाँ, इतना प्रलय जल में कौन टॉलरेट कर सकता है, लेकिन मार्कंड ऋषि ऐसे होते हुए हिमालय से पूर्व तट तक बहाते 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 हेल्पलेस आधा मृत्यु अवस्था में आके पहुंचे, दिखा पास में एक छोटा सा द्वीप है, इनको आशा का किरण दिखा दिया, ठीक है संभव बच जाऊंगा, तो बहुत प्रयास करके वहां तक आए। और जैसे वहां आए, वहां का एनवायरमेंट, वातावरण बहुत ही शीतल था, और इनके मन में जो भय भाव जागृत हुआ था, इतना प्रलयंकारी वात्या वन्या और टेम्परेचर की वजह से परेशान थे, उसका मृदु हवा से ये प्रशमन हो गया। उसके बाद मार्कंड ऋषि धीरे 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 पास में आके दिखा, उस द्वीप में एक पेड़ है, वृक्ष है, वट वृक्ष है, बहुत बड़ा वट वृक्ष है, उसका ब्रांचेस बहुत फैला हुआ है, इसको कल्पवट कहा जाता है, जो अभी भी जगन्नाथपुरी मंदिर के अंदर स्थित है, दैट इज द द्वीप दोज डेज। तो उसका ब्रांच में आगे जाके पत्र पत्र होता है, उस वट पत्र के ऊपर सुंदर सा नन्हा सा कोमलमति बालक खुशी से खेलते हैं, और उनका शरीर से जो तेज निकलते थे उसको देखते हुए मार्कंड ऋषि, हृदय के अंदर जो भय था सारे दूर हो गया, और प्रसन्न चित्त से मार्कंड ऋषि इंक्वायरी करने लगे कि आप हे कौन, कृपा करके मुझे बताइए। इस दृश्य को देखकर आनंद में विह्वल हो गए, आनंद में, क्योंकि भगवान कृष्ण का बाल रूप को, बाल गोविंदम जब दर्शन किए, आकर्षित हो गए, आनंद में भर गए, और इनको देखते ही प्रसन्न होते हुए दंडवत करते हुए ही देखते देखते वो बालक अपना एक पैर का अंगूठा को लेके चूसने लगे, उसको देखते हुए और आनंदित होते हैं, उनके पास आ रहे, देखते देखते वो बालक एक सांस लेते हैं, उस सांस लेने के बाद उसका निश्वास के अंदर इनके गर्भ के अंदर प्रवेश करते हैं, जैसे कि मच्छर हमारे क्या कहते हैं, जब हमारा प्राणायाम के समय अंदर घुस जाता है, तो ऐसे ही मच्छर के स्वरूप अंदर प्रवेश किया, लेकिन मृत मृत मृत्यु नहीं हुआ, सब अंदर जाके देखिए, अनंत ब्रह्मांड है, 14 प्लैनेटरी सिस्टम से ऐसे बहुत सारे ब्रह्मांड है, बहुत सारे ब्रह्मा है, देयर आर सो मेनी देवदेवीस, एवरीथिंग ही कुड सी, इंक्लूडिंग दिस, ही हिमसेल्फ आल्सो, अपने आप को दिखा कि वो अंदर है, साथ ही नीलाचल धाम को भी अंदर दिखा है, साथ ही साथ सारे भौतिक जगत, अपना तपस्या करने के जगह हिमालय, सब कुछ देख पाया। और ऐसे सोचते सोचते फिर वो बालक क्या किया, निश्वास छोड़ दिया, तो बाहर निकल गया, फिर प्रलय जल में गिर पड़े। से प्रलय जल में गिरने के बाद और बहुत स्तुति करते हैं, उनके अंदर हृदय के अंदर कोई भय नहीं रहता है, और तो स्तुति करते करते इतने समय के अंदर धीरे धीरे प्रलय जल क्या होता है, कम होते होते जा रहे, उस समय मुनि प्रश्न पूछते हैं, हे भगवान आप मुझे कृपा करके ये बताइए कि
कि सारा जगत प्रलय जल में डूब रहे हैं, इस पर्टिकुलर ट्रैक्ट ऑफ लैंड जहां पे आप है, ये अक्षय भट्ट के साथ ये कैसे नहीं डूब रहा है? तो भगवान स्माइलिंग करते हुए आंसर करते हैं और उसके माध्यम से त्रिशंख क्षेत्र यानी कि स्पेसिफिकली उत्कल क्षेत्र जगन्नाथ क्षेत्र का वर्णन करते हैं स्वयं भगवान बाल मुकुंद। भगवान का चरण पकड़ लेते हैं, बहुत रिक्वेस्ट करते हैं और ये पवित्र स्थान में निवास करने के लिए अनुरोध भी करते कि मुझे मौका दीजिए। देन भगवान स्वयं एक्सप्लेन करते हुए ये सारे वर्णन स्वयं लक्ष्मी देवी कर रहे हैं, किसको? यमराज को, साथ में ब्रह्मा जी है। तो इन्होंने एक्सप्लेन करते हैं कि ये कैसे ऐसा धाम है जो भी प्रलय के समय में भी क्षय क्षति नहीं रहता, अक्षत रहता है। उसके बाद वहां निवास करने के लिए रिक्वेस्ट किया जिन्होंने वहां पर रह के कठिन तपस्या फिर किया। तपस्या करते वक्त भगवान वही बाल मुकुंद का डिसअपीयरेंस के बाद इनको ध्यान लगाया, ध्यान लगाते हुए तपस्या किए थे, एक्सटर्नल सिचुएशन को सब भूल गए थे उसी समय। वैष्णव सार्वभौम स्वयं शिव जी उमा के साथ विराजमान हुए, दर्शन दिया और इनको रिक्वेस्ट किया, हे ऋषि आंखें खोलो। लेकिन ऋषि बाल मुकुंद के प्रति इतना आकर्षित थे, भगवान शिव जी पार्वती जी उमा जी आ गए फिर भी आसपास इनको पता नहीं चला। इन्होंने आवाज भी दे रहे, बुला भी रहे, फिर भी ध्यान नहीं दे रहे। दिस इज द पावर ऑफ अट्रैक्शन फॉर कृष्ण। एंड ये जानते हुए भगवान शिव मार्कंडेय ऋषि का हृदय के अंदर प्रवेश करते हैं, प्रविष्ट होते हुए इनको इंस्पायर करते हैं कि हे मार्कंडेय, मैं आपके सामने विराजमान हूं मेरे पत्नी के साथ, आप आंखें खोलिए। देन ही ओपन्ड हिज आईज। सो मार्कंडेय ऋषि आंखें खोलते हैं, आंखें खोलने के बाद देखते हैं कि स्वयं शिव जी एंड उमा विराजमान है, इनको दंडवत करते हैं। और दंडवत करते ही शिव जी खुद प्रसन्न होकर बोलते, देखिए दिस इज अ क्लासिकल एग्जाम्पल, स्वयं विष्णु को प्रसन्न करने के बाद नेचुरली शिव जी भी प्रसन्न हो जाते हैं, बोल रहे आप वर मांगिए। वो हर कोई राक्षस या कोई साधारण व्यक्ति शिव जी को तपस्या करते हैं कुछ प्राप्त करने के लिए, लेकिन मार्कंडेय ऋषि शिव जी का तपस्या नहीं किया, इन्होंने आपने अष्टदेव बाल मुकुंद के ध्यान लगा रहे थे, शिव जी पहुंच गए साथ में, वर मांगो। तो वर मांगो जैसे बोला, तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। विद दिस आई विल क्लोज दिस डिस्कशन टुडे। मार्कंडेय ऋषि क्योंकि वो वैष्णव श्रेष्ठ थे, इनको सब कुछ पता था, इन्होंने क्या कहते हैं एज इट इज सुना जाए। हे मुनि, तुम्हें किसी भी वर की कामना करो, मैं वरदान देने वालों में श्रेष्ठ हूँ। खुद बोल रहे वर देने के लिए श्रेष्ठ हूँ मैं आशुतोष हूँ, मेरे द्वारा दिए गए हर कोई वरदान कभी भी निष्फल नहीं होता। शिव जी के इस वचन सुनकर कहने लगे, हे वरदाता, केवल आपके दर्शन करने मात्र से ही मेरे सारे इच्छाएं पूर्ति हो जाती है। देखिए विनम्रता, देखिए जो स्वयं उनके बॉस बाल मुकुंद का दर्शन करते हैं, ये सारे दर्शन करने के बाद भी अहंकार नहीं है मार्कंडेय ऋषि से। वो कहते कि आपको केवल दर्शन करने के बाद मेरा सारा अभिलाषा पूरा हो चुका है, मैं क्या वर चाहता हूँ, फिर भी आप कुछ वरदान देना चाहते है तो मुझे ये वरदान दीजिए, मेरे हृदय में परम भगवान एवं उनके भक्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट इनके भक्तों के प्रति निश्चल एवं प्रगाढ़ भक्ति हो, विशेष रूप से आपके चरणों प्रति मेरा अनुराग जागृत हो। देखिए जैसे इनका अनुराग नहीं है, दिस इज द ह्यूमिलिटी ऑफ मार्कंडेय ऋषि। सो वैष्णव किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सेक्ट में, किसी भी परंपरा से क्यों ना आए, वो इस तरह का विनम्रता दिखा पाते हैं जो कि वैष्णव का भूषण है। और उस समय शिव जी तथास्तु कहते हैं, उसके साथ ही और कहते हैं, तुम अधोक्षज के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो चुके हैं हे मार्कंडेय ऋषि, इसी कारण से तुम्हारे सारी इच्छा पूर्ण होगी। इस प्रकार से शिव जी से वरदान प्राप्त करने के बाद मार्कंडेय ऋषि पुरुषोत्तम क्षेत्र में ही निवास करके शिवलिंग की पूजा करने लगे जो मार्कंडेश्वर के नाम पे जाना जाते हैं। ब्रह्मा और यमराज को
पुरुषोत्तम क्षेत्र की महिमा का वर्णन पूर्ण रूपेण करते हुए लक्ष्मी देवी ने कहा, पंचकृशामिदं क्षेत्र समुद्रांत व्यवस्थितं क्षेत्र कोशं तीर्थराजस्य तटभूम सुनन्मलम। तो पंचकुश वाला ये जो शंख क्षेत्र है जगन्नाथ पुरी धाम, उनमें से तीन क्षेत्र सॉरी तीन कोश संपूर्ण सुनिर्मल है। लक्ष्मी जी फर्दर एक्सप्लेन करते हैं, तो ये जो पांच कोश विस्तृत है जो समुद्र के तट से स्थित सभी क्षेत्र में महान है, पांच से तीन कोश तक यह भूमि पर स्थित जो भी व्यक्ति वस्तु और स्थान है, पांच कोश से तीन कोश के अंदर जो सर्कमफेरेंस के अंदर क्या है, अत्यंत पवित्र है। यह स्थान संपूर्ण वालुका से वेष्टित है एवं मध्यस्थल नील पर्वत से शोभायमान है। यहाँ भगवान स्वयं विश्वेश्वर के रूप में निवास करते हैं। तो यह कहकर यमराज और ब्रह्मदेव को प्रसन्न करते हुए स्कंद पुराण के माध्यम से जयमिंद्र ऋषि माता लक्ष्मी का डिस्कोर्स को आगे बढ़ाते हैं। हम कल का सेशन में इसका जो रिमेनिंग क्वेश्चन पूरा करके आगे बढ़ेंगे, बाद में कल ब्रीफली डिस्कशन करेंगे कि वृंदावन मथुरा सॉरी वृंदावन द्वारका एंड जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का आविर्भाव कैसे हुआ। हरे कृष्णा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। मेरा आशा और विश्वास है जगन्नाथ धाम के बारे ब्रीफ लाइट प्राप्त होने के बावजूद जगन्नाथ जी के चरण कमल के प्रति, उत्कल देश के प्रति, उत्तर देश के प्रति एंड साथ ही जगन्नाथ क्षेत्र के प्रति सभी भक्त के हृदय के अंदर भक्ति भाव जागृत है। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। यस हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण दंडवत। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण दंडवत। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण दंडवत। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण माता जी। ये रिकॉर्डिंग होगा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। कृष्ण माता जी। प्रभु जी प्रश्न था प्रभु जी एक ना, क्योंकि ये थोड़ा सा ये कि पुरुषोत्तम क्षेत्र को चार विभाग में है, शंख चक्र पद्म और गदा। पुरुषोत्तम क्षेत्र उत्कल देश। उत्कल देश ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी शंख क्षेत्र में भगवान स्वयं विराजमान है, तो प्रभु जी चक्र अच्छा जगन्नाथ क्षेत्र प्रभु जी, फिर चक्र क्षेत्र में आप क्या बता रहे थे आप प्रभु जी? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर प्रभु जी। और पद्म क्षेत्र में कोणार्क। और प्रभु जी इसमें गदा क्षेत्र में जाजपुर। हम जाजपुर होकर ट्रेन में आएंगे, ट्रेन में आते वक्त दंडवत कर लेना। अच्छा। जाजपुर जाजपुर केंद्र रोड आएगा स्टेशन भद्रक के बाद, दैट इज गदा क्षेत्र। देन उसके बाद हम लोग कोणार्क जाने का प्लान में है, दैट इज पद्म क्षेत्र। शंख क्षेत्र में रहेंगे, आसपास घूमेंगे, उसके बाद हम भुवनेश्वर चक्र क्षेत्र भी दर्शन करेंगे। जी प्रभु जी। प्रभु जी ये जब ये प्रलय आती है प्रभु जी, जैसे आपने कथा सुनाई, तो यानी कि यही एक क्षेत्र है जो प्रलय में डूबता नहीं है। यस यही लक्ष्मी जी कहते हैं। लक्ष्मी जी कह रहे ने प्रभु जी, ये हमने भागवतम में भी पढ़ा है ये, शायद ना भागवतम में भी आया था इसका डिटेल। जी जी थैंक यू प्रभु जी। यही पूछना था प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। कोई और प्रश्न नहीं है तो हम क्लोज कर सकते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो
आई होप सभी डिवोटीज ने काफी अच्छे से सुना प्रभु जी की कथा को और रेलिश भी किया होगा आशा करते हैं। तो इसी तरीके से कल और परसों और उसके बाद जो मेन हम लोग रहेंगे श्री जगन्नाथपुरी जिनका इतना ग्लोरीज हम सुन रहे हैं श्री जगन्नाथ जी का श्री जगन्नाथपुरी का, तो वहां पर हम लोग सैटरडे को जो है अपनी यात्रा स्टार्ट करेंगे। तो प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र के साथ में और कल फिर सही समय पर सभी लोग जुड़ेंगे। हरे कृष्ण बहुत इम्पोर्टेंट है अभी के लिए इमीडिएटली जा रहे हैं तो अभी सुनकर जाएंगे ताजा ताजा तो बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु माता जी। रिकॉर्डिंग रहेगा यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा माता जी कल तक यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा भी तो सुन लेंगे। हरे कृष्ण क्या कह रहे माता जी माता जी यूट्यूब पे आ जाएगा। अच्छा ठीक यस हरे कृष्ण थैंक यू भद्रेवती माता जी हम क्लोज कर सकते हैं। हरे कृष्ण।